अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं एमएलटी हब विद कामरान। कैसे हैं डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है होमोसिस्टीन टेस्ट। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपना टॉपिक होमोसिस्टीन टेस्ट। डियर व्यूवर्स, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि होमोसिस्टीन क्या है। होमोसिस्टीन दरअसल में एक टाइप है अमाइनो एसिड की, और ये बनता है जब हमारे जिस्म में प्रोटीन्स टूटते हैं तो फिर ये बनता है। एक दूसरा अमाइनो एसिड है जिसे मिथ्यूनिन कहा जाता है, और ये मिथ्यूनिन हमारे जिस्म में टूटता है और इसको तोड़ने के लिए कुछ विटामिन्स जो हैं वो दरकार होते हैं जो कहलाते हैं फोलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन B6। तो फिर इस मिथ्यूनिन के टूटने के बाद होमोसिस्टीन जो है वो बनता है। होमोसिस्टीन बनने के बाद ये तब्दील हो जाता है सिस्टीन में, जो कि एक दूसरा अमाइनो एसिड है, और इसके बनाने में जो रोल अदा करता है वो होता है विटामिन B6 का। तो विटामिन B6 इस होमोसिस्टीन को कन्वर्ट करता है इनटू सिस्टीन। इसके बाद जब सिस्टीन बन जाता है तो फिर ये सिस्टीन जो होता है, जो कि ये अमाइनो एसिड है, तो ये फिर कुछ अहम काम हमारे जिस्म में करता है। तो वो काम क्या है कि ये सिस्टीन हमारे सेल्स के अंदर प्रोटीन की फोल्डिंग करता है ठीक तरह से, और ये प्रोटीन्स को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा ये प्रोटीन को एक अच्छी शेप जो है वो भी मुहैया करता है, यानी प्रोटीन्स को शक्ल में लाने के लिए भी इस सिस्टीन का बहुत अहम रोल होता है। इसके अलावा ये जो सिस्टीन अमाइनो एसिड होता है तो ये एज ए एंटी ऑक्सीडेंट भी काम करता है, यानी हमारे जिस्म में ये कैंसरस सेल्स को मारता है। यहाँ पर समझने की बात ये है डियर व्यूवर्स कि अगर होमोसिस्टीन सिस्टीन में तब्दील ना हो या दोबारा से ये रिसाइकल होकर मिथ्यूनिन में तब्दील ना हो तो फिर ये होमोसिस्टीन हमारे खून में बढ़ जाता है, और जब ये होमोसिस्टीन खून में बढ़ता है तो कुछ एबनॉर्मल हालतें होती हैं जो कि जिस्म में पैदा हो सकती हैं। वो कौन सी हैं उस पर आगे जाकर बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि ये जो होमोसिस्टीन का टेस्ट है तो इसकी तशखीसी अहमियत क्या है। तो पहली तशखीसी अहमियत ये है कि इस टेस्ट की मदद से हम उन मरीज़ों का पता लगा सकते हैं जिनके खून में होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ गया है और उन्हें ख़तरा है कि मुस्तकबिल में उन्हें स्ट्रोक हो जाए। दूसरा, उन मरीज़ों का हम इस टेस्ट की मदद से पता लगा सकते हैं जिनके खून में होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ गया हो और मुस्तकबिल में उन्हें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक का ख़तरा हो सकता है। तीसरा, उन मरीज़ों का पता हम लगा सकते हैं इस टेस्ट की मदद से जिनके खून में होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ गया हो और उन्हें मुस्तकबिल में डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ख़तरा हो। तो ये थी तशखीसी अहमियत होमोसिस्टीन टेस्ट की। अभी हम बात करेंगे कि खून में होमोसिस्टीन जो अमाइनो एसिड है तो इसका नॉर्मल लेवल क्या होता है। तो इसका नॉर्मल लेवल होता है लेस देन 15 माइक्रोमोल पर लीटर। 15 से ये अबव जाएगा तो ज़रूर कोई एबनॉर्मल कंडीशन होगी। अभी बात करेंगे कि होमोसिस्टीन के टेस्ट के लिए सैंपल कैसे लिया जाता है, किस ट्यूब में लिया जाता है। तो 3 से 5 ml खून का नमूना लिया जाता है EDTA ट्यूब में, या इसे लेवेंडर टॉप ट्यूब भी कहा जाता है। इसे सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा लिया जाता है और फिर प्लाज्मा से एडवांस मशीनरी पर होमोसिस्टीन के टेस्ट को लगाया जाता है। अभी हम बात करेंगे कि वो कौन सी हालतें होती हैं जिसमें होमोसिस्टीन का लेवल खून में बुलंद हो जाता है, या आगे जाकर वो हालतें जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। तो वो हालतें हैं विटामिन B12 डिफिशेंसी, विटामिन B6 डिफिशेंसी, फोलिक एसिड डिफिशेंसी, हाइपोथायराइडिज्म, अल्जाइमर डिजीज़, किडनी डिजीज़, स्मोकिंग जो लोग करते हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस का ख़तरा बढ़ जाता है, करोनरी आर्टरी डिजीज़ का ख़तरा बढ़ जाता है, वीनस थ्रोम्बोसिस मरीज को हो सकता है, और मरीज़ को करोनरी आर्टरी स्टीनोसिस का ख़तरा भी बढ़ सकता है और उसे करोनरी आर्टरी स्टीनोसिस हो सकता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।